हे गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दोस्त पुनीत और आज मैं बात करने वाला हूं मेरे वीडियो के अंदर एक लाइडार बेस्ड फॉलो फोकसिंग सिस्टम के बारे में। ये कमाल का फॉलो फोकसिंग सिस्टम है जो कि पीडी मूवीज ने रिसेंटली लॉन्च किया है और ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कि गेम चेंज कर देगा पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग सिनेमा लेंसेज को यूज़ करते हैं और मैनुअल फोकस पुलिंग करते हैं। क्योंकि ये सिस्टम क्या करता है, ये छोटी सी मोटर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे इस कैमरे के ऊपर लगी हुई है, ये मोटर क्या करती है, मेरे एक सिनेमा लेंस को जो कि एक मैनुअल लेंस है इसको ऑटो फोकस में कन्वर्ट कर देती है। ऐसा सेम लाइडर सिस्टम जो है वो DJI के पास में भी है। DJI भी अपने एक लाइडर बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा है जो कि RS2 प्रो के टाइम से मार्केट में था। बट उस लाइडर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो केवल गिम्बल यानी जो DJI के गिम्बल है उसी के साथ में यूज किया जा सकता था। अगर आप उस लाइडर सिस्टम को सेपरेटली यूज करना चाहते थे तो यूज करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। पर जब से पीडी मूवीज ने ये सिस्टम अनाउंस किया ना, ये एक गेम चेंजिंग सिस्टम हो गया। आप इसे चाहे तो गिम्बल पे यूज कर सकते हो, तो अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो शूट करते टाइम पे भी आप इसे यूज करना चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसे किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस से कनेक्ट करने की नीड नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट इंडिविजुअल डिवाइस है जो कि इस तरीके से आपके लेंस के ऊपर माउंट होती है और इस तरीके से ऑटो फोकस करना स्टार्ट करती है। पीडी मूवी के इस प्रोडक्ट का नाम है लाइवेयर 3 स्मार्ट और ये मेरे को लगता है कि इंडिया में मैं इकलौता बंदा हूँ जिसने अभी तक इसे परचेज किया है। इसका ऑलरेडी फर्स्ट लॉट में मैंने इसे बुक करा था और परचेज किया था। इसका सेकेंड लॉट का रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया है और वो रिजर्वेशन आप वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी प्राइस जो है वो लगभग 35,000 रुपये की है और 35,000 रुपये में ना ये आपके किसी भी सिनेमा लेंस को ऑटो फोकस लेंस में कन्वर्ट कर सकता है। अब समझते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस सिस्टम में हमें यहाँ पे एक लाइडार सेंसर मिलता है, ठीक है। अब लाइडार सेंसर क्या होता है, अगर आपने आईफोन 14 या आईफोन 13 प्रो जो सीरीज है वो फोन की सीरीज देखी हो तो जो सिनेमैटिक मोड आईफोन ने इंट्रोड्यूस किया था वो लाइडार सेंसर की वजह से ही किया था। लाइडार सेंसर क्या करता है, लाइडार सेंसर जो है सामने आने वाले सभी ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और उसकी डेप्थ को भी स्कैन करता है। यहाँ पे सेम हमें यह लाइडार सेंसर देखने को मिलता है, सेम लाइडार सेंसर है जो कि मोटर पे लगाया मिलता है हमें। और ये क्या करता है, ये डेप्थ को स्कैन करता है और सब्जेक्ट को स्कैन करता है, उसके बेस पे सब्जेक्ट के ऊपर ऑटो फोकस करना स्टार्ट करता है। आप विश्वास करेंगे इस सेटअप को ना मैंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में भी यूज़ किया। क्रिटिकल सिचुएशन जैसे कि मैंने इसे गिम्बल्स के साथ में भी ट्राई करके देखा और इवन मैं इतना हैरान हुआ कि ट्रैकिंग सिचुएशन में सब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सब्जेक्ट अगर ट्रैक कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट को मूविंग मोशन में, तो सिचुएशन में भी सब्जेक्ट के ऊपर ऑटो फोकस को बनाए रखता है। ये कमाल का इनोवेटिव प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया है। तो जब आप इसे परचेस करोगे आपको सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स आता है, फिर उस बॉक्स के अंदर से हमें ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एक सॉफ्ट केस देखने को मिलता है, एक हार्ड केस काइंड ऑफ केस देखने को मिलता है। जब आप इसे ओपन अप करेंगे तो ओपन करते टाइम पे आपको ऑफकोर्स ये एक रॉड मिलेगी, ये एक 16mm वाली रॉड है। उसके साथ में अगर इस रॉड को अगर आपको कैमरे पे माउंट करना हो तो वो माउंटिंग देखने को मिल जाती है। साथ साथ में हमें ये मोटर देखने को मिलती है, लाइवेयर 3 स्मार्ट मोटर। हमें यहाँ पे दो बैटरीज मिल रही है, दो बैटरी के साथ में उसका चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है। साथ साथ में अगर आपके साथ में कोई फोकस पुलर है और उसे पुलिंग करनी है, अगर आप ऑटो फोकस से छोड़ के इसे मैनुअल फोकस पे यूज़ करना चाहते हो पुलिंग करनी है, तो इसके साथ में इसका ये रिमोट भी देखने को मिलता है जो कि इंडिपेंडेंट पुलिंग करने के टाइम पे काम आता है। मैं इससे पहले ऑलरेडी लाइवेयर 3 सीरीज यूज़ कर चुका हूँ जो कि नॉन स्मार्ट सीरीज थी। अब लाइवेयर सीरीज का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसका रिमोट है, ये जो रिमोट है छोटा सा डायल है, ये इस तरीके से आपके हाथ में निकल के आ जाता है और आप इसे भी अपने कैमरे पे इस तरीके से माउंट कर सकते हो। बहुत बारी क्या होता है कि जब आप शूट कर रहे होते हो तो आप सोलो शूटिंग करते हो। सोलो शूटिंग का मतलब आप अकेले एक बंदे जो शूट कर रहे हो, आपके साथ में कोई फोकस पुलर नहीं है, तो आपको अगर इस रिमोट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस रिमोट में से मेन यूनिट को निकाल के कैमरे पे लगा लो और फिर यहां से आपका फोकस पुलिंग आपके कैमरे पे लग गया, फिर कैमरे से आपकी पुलिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। एक बहुत अच्छी चीज़ है। उस यूनिट को चलाने के लिए इसमें हमें जो है वो सेल देखने को मिलते हैं, तो वो ये रिचार्जेबल सेल है जिसका चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर से देखने को मिलता है। तो ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। अगर आपके पास में कोई हार्ड स्टॉप मैनुअल लेंस नहीं है, हार्ड स्टॉप मतलब जिसके ऊपर रिंग नहीं बनी हुई, तो ये रबड़ की रिंग भी मिलती है जिसके ऊपर आप इस रिंग को कनेक्ट कर उस पर फोकस पुलिंग कर सकते हो। अब मैं आपको ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। ये मैंने यहाँ पे इसे माउंट कर दिया, बैटरी मैंने यहाँ लगा दी। अब इसको मैं एक बार कैलिब्रेट करूंगा तो यहाँ कैलिब्रेशन का बटन मिलता है मुझे। तो ये मोटर क्या करेगी, अभी लेंस के फोकस के डिस्टेंस को कैलिब्रेट करेगी। ये कैलिब्रेट हो गया और अब अगर आप देखेंगे तो इसने ऑटो फोकस करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये एक 50mm लेंस है, 50mm लेंस
बेसिकली एक हार्ड स्टॉप टीटी आर्टिसन का सिनेमा लेंस है, जो कि टी स्टॉप आता है टी स्टॉप 1.05 पे, तो काफी बड़ी वाइड ओपनिंग के साथ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर यहाँ पे लगी हुई है, राइट। और ये जो लाइडर सेंसर है आपको यहाँ लाइट ब्लिंक होती हुई दिख रही है, राइट। ये लाइडर सेंसर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा है। आप देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक फोकस जो है वो एडजस्टमेंट हो रही है लाइडर के बेस पे, और लाइडर ही बेसिकली उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसके सामने आऊँ, आमने सामने मूव करूँ, तो आप देखेंगे ये जो है मुझे फोकस पुल कर रहा है। ये बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी पीडी मूवीज ने आई थिंक निकाली है, और सबसे अच्छी बात है सब्जेक्ट डिडक्शन बहुत परफेक्टली करता है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास में मल्टीपल सिनेमा लेंसेज है तो ये जो इसको एक बार ही जो कैलिब्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा छोटा सा प्रोसेस है, जहां पे पीडी मूवी का आपको ग्राफ मिल जाता है लेंस कैलिब्रेशन वाला, उस ग्राफ को यूज करके आपको अपना फर्स्ट टाइम कैलिब्रेशन करना पड़ेगा अपने एक लेंस को। इसमें हमें 5 अलग अलग चैनल्स मिलते हैं, जैसे अभी जो यहाँ पे ब्लू लाइट आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है, अगर मैं डबल टैप करूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, डबल टैप करूं तो फिर ये रेड हो जाएगा, डबल टैप करूं फिर हमारा ब्लू चैनल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या है, 5 सेपरेट चैनल मिल जाते हैं। 5 सेपरेट चैनल का मतलब है अगर आपके पास 5 अलग अलग सिनेमा लेंसेज है तो आप 5ों सिनेमा लेंसेज को एक बारी कैलिब्रेट कर दो और उनके चैनल यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। सपोज करो मैं 50mm यूज कर रहा हूँ, तो 50mm को मैंने ब्लू लाइट यानी ब्लू चैनल पे कैलिब्रेट किया हुआ है। अगर मेरे पास में 12mm का कोई लेंस है तो उसे मैं ग्रीन चैनल पे कैलिब्रेट कर लूंगा, और अगर मेरे पास में कोई और दूसरा सिनेमा लेंस है, जैसे मेरे पास एक एनामॉर्फिक लेंस है विल्ट्रॉक्स का जो मैं यूज करता हूँ प्रोडक्शन में, तो उस लेंस के साथ भी मैंने इसे माउंट किया था सोनी FX6 के साथ में, उसमें भी ये बहुत परफेक्टली बहुत डायनेमिकली काम कर रहा था, और उसको मैंने जो है वो रेड चैनल के ऊपर कैलिब्रेट किया हुआ है। तो ऐसे करके मैं अलग अलग 5 डिफरेंट चैनल पे मैं एक बार ही अपने लेंस को कैलिब्रेट कर लूंगा, तो फिर जो है कैलिब्रेट होने के बाद में ऑटो फोकस परफेक्टली काम करना आपके सब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट कर जाएगा। अब मैं अपने रिमोट को यूज करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं रिमोट यहाँ ऑन करता हूँ जल्दी से सिंक हो जाते हैं आपस में दोनों, रिमोट से भी जो मैं फोकस पुलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं रिमोट से मेरी फोकस पुलिंग हो रही है, मैं यहाँ रिमोट घुमा रहा हूँ और मेरा लेंस का जो फोकस पुलिंग है वो कहाँ यहाँ पे आपको करता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में अगर आप रिमोट ऑफ कर देते हो तो लाइडार सेंसर से इसकी ऑटो फोकस को पुल किया जा सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट पीडी मूवीज ने निकाला है काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम हार्ड स्टॉप अपर्चर वाले मैनुअल लेंसेज को यूज करते हैं उनको ये ऑटो फोकस में कन्वर्ट करके हमारा एक बहुत बड़ा सरदर्दी जो शूटिंग के टाइम पे होता है उसको खत्म कर देगा। लिटरली ट्रैकिंग करते टाइम पे भी ये सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली काम करता है, और मुझे यही फीचर इस पर्टिकुलर डिवाइस का लगा कि आप एक मैनुअल लेंस को इवन ट्रैकिंग के अंदर भी परफेक्टली यूज कर सकते हो। ये एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और लाइडार सेंसर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है। इसके लिंक पे जो है वो डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।